हेलो, बढ़िया। ऐसी सरकार गेमिंग क्या हालात है? बढ़िया, उम्मीद करेगी आप सब। अनिल गिल भी हमारे साथ जुड़े। पहले कैसे हो अनिल गिल? फ्री फायर कब खेलोगे यार? अभी तो चांस कम ही है गाइस कुछ दिन के लिए। तो आपका चैनल डाउन चल रहा है, फ्री फायर खेलो, सस्ता वगैरह आपके चैनल पे ग्रो हो जाएगा यार। उसमें मजा नहीं आता यार, बहुत खर्चा करना पड़ता है यार। इतना खर्चा कहाँ से करे? उसमें तो जो कस्टम वगैरह है वो भी बहुत महंगे पड़ते हैं डेली। फिर उनका एक ही सवाल, अबे ये दो वो दो वगैरह वगैरह। यार वो तो इतना आसान नहीं हो पाता। अभी कुछ दिन रुक जाओ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ पैसे वैसे का जुगाड़ कर रहा हूँ। और जैसे कुछ जुगाड़ हुआ तो हम वापिस आ जाएंगे, तो लौट आएंगे फिर से।
That's four. Superb shot. Goes through to the wicketkeeper. No shot offered. One run there. Good delivery there. Had the batsman defending. Wait there. And through for one. हेलो, कैसे हैं गाइज? एक बार फिर से हिट पुमा गेमर. हेलो ब्रो, क्या हाल है गेमर भाई? उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे. तो लो गाइज, आज है साउथ अफ्रीका, सॉरी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथर्न ऑस्ट्रेलिया के बीच का ये मुकाबला, डोमेस्टिक मैच इस वक्त चलता हुआ. काफी बढ़िया टारगेट है वो सेट किया है टीम ने. 50 ओवर में 352 रन. मजा आ गया, खूब रन बटोरे आज. बाकी सबका क्या हाल है? थैंक यू सो मच गाइज. क्या लगता है कौन जीतेगा आज? फिलहाल एलेक्स कैरी बल्लेबाजी करते हुए, कैरी यहां पे एलेक्स कैरी डाउन द शॉट एंड आवर की समाप्ति यहां पे. काफी बड़ा टारगेट है वो दिया है इन्होंने साउथर्न ऑस्ट्रेलिया को.
एलेक्स कैरी ओपन करते हुए कप्तान है टीम के, देखना जरूर है किस अंदाज में यहाँ पे बल्लेबाजी करेंगे। अगर आप पहली मरतबा है तो जरूर गाइज वीडियो को लाइक कीजिएगा और बताएं जरूर आपकी अपनी राय कि कौन सी टीम आज इस मुकाबले को जीत सकती है। अभी तक काफी कड़ा मुकाबला जोसन ब्रैडहर्ड्स का ये ओवर था वो समाप्त हुआ। अब देखना जरूर है कि अगला ओवर कौन से गेंदबाज के द्वारा यहां पे करवाया जाएगा। एलेक्स कैरी कप्तान है फिलहाल, 5 रन बनाकर खेलती हुई 4 गेंदों के अंदर। हिट पुमा गेमर्स हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जुड़े हैं, थैंक यू सो मच हिट पुमा, क्या हाल है गाइस आप सभी का, तो अपनी राय है वो जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे। साउथर्न ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बीच का ये मुकाबला, बेहतरीन टीमें दोनों ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दोनों टीमें कुछ खास है या खास नहीं है। जीत लेंगे जहां नसारा एक बार, वक्त आने दो हमारा। फिलहाल यहां पे 4 रन के लिए खराब लाइन के ऊपर गेंदबाजी, बल्लेबाज पहले ही तैयार थे और रन आपने इतना बड़ा दिया टारगेट, तो बल्लेबाज कहां गलतियां करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, एक और बड़ा शॉट, गेंद हवा में कितनी दूर, इतनी दूर कि मैक्सिमम 6 रन मिलेंगे, बहुत ही दूर जाके गेंद गिरा 6 रन के लिए। मैथ्यू काइल्स इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, खराब लाइन के ऊपर गेंदबाजी, सही नसीहत, 6 रन के लिए गेंद, बल्लेबाज यहां लुफ्त उठाते हुए। जितनी खराब गेंद करोगे उतना सही अंजाम देंगे ये खिलाड़ी। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथर्न ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये लाइव मुकाबला, जरूर आप एंजॉय कीजिए इस बेहतरीन मुकाबले को। क्या अंदाज इस वक्त का रहा है इस मुकाबले के अंदर। अभी तक तो काफी बढ़िया अंदाज में शुरुआत हुई है टीम की, आक्रामक अंदाज, मैथ्यूज की धुलाई होती इस वक्त, मैथ्यूज के लगे हैं खूब रन इस वक्त। मैदान में बारिश आती हुई इस वक्त, बड़ा झटका यहां पे, बारिश की वजह से मुकाबला है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, इस वक्त बारिश है वो खलल डालती हुई मैदान के अंदर। इस वक्त स्वागत आप सभी का मैदान के अंदर, बारिश है उसने खलल डाल दिया है। एलेक्स कैरी काफी बढ़िया खेल रहे थे,
जैक वेदरहोल्ड भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अब बारिश है, वो कितनी देर तक मैदान पे रहेगी ये देखना जरूर। और क्या लगता है आप सभी को इस मुकाबले के बारे में? नाउ वेदर कंडीशन आपको बता दें कि फिलहाल बारिश है, वो मैदान के अंदर आ चुकी है, लेकिन ज्यादा बारिश नहीं है, ये चीज अच्छी है कि ज्यादा देर बारिश नहीं रहेगी, इसलिए मुकाबला है वो जल्द से जल्द वापस स्टार्ट हो जाएगा। बेहतरीन मैच में आप सभी का स्वागत कर लेते हैं, और इस वक्त मुकाबले में जैक वेदरहेड, एलेक्स कैरी, मैथ्यू काइल्स दोनों खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर। तीन सौ बावन रन का पीछा करने उतरी है, लेकिन शुरुआत भी काफी बढ़िया, 19 रन बटोरे हैं यहां पे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का हार्दिक अभिनंदन इस मुकाबले के अंदर। जैसा कि आप जानते इस मुकाबले के बारे में, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइज फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त बारिश मैदान के अंदर, इस वक्त बारिश की वजह से मुकाबला है वो कुछ देर के लिए रुक चुका है। आपको बता दें कि बारिश इस वक्त मैदान के अंदर, और जल्दी ये बारिश हटेगा तो मैच में फिर से आपको रोमांच देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वक्त वेदर कंडीशन आप देख सकते हैं, बारिश आ चुकी है इस वक्त मैदान के अंदर, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द बारिश है वो रुक जाए। इस वक्त की बड़ी खबर मैदान से आती हुई, इस वक्त की काफी बड़ी अपडेट आपके सामने साझा करते हुए, बारिश इस वक्त मैदान के अंदर। तो मैदान के अंदर इस वक्त काफी हद तक बारिश देखने को मिलती हुई आपके सामने हम साझा करेंगे मैदान की कुछ हलचल।
क्या लगता है इस वक्त बारिश कितनी देर बाद रुक जाएगी? इस वक्त स्टेडियम में बारिश जारी है। ये देख सकते हैं इस वक्त मैदान के अंदर कितना पानी है, वो भर चुका है। बड़ी दिक्कत इस वक्त मैदान के अंदर, बारिश की वजह से खलल आती हुई मुकाबले के अंदर। लेकिन ग्राउंड स्टाफ है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि बारिश के साथ साथ कौन जीतेगा आज ब्रो। मोंटू दोबरा भाई, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया टीम है, वही जीतने के चांसेस ज्यादा है। रन काफी बढ़िया लगाए हैं स्कोर पे, लेकिन फिर भी कहते हैं ना क्रिकेट है निश्चिताओं का खेल है, यहाँ कुछ भी कहना मुश्किल। इस वक्त तो बारिश ने मुकाबला है वो थोड़ा सा फीका कर दिया है, काफ़ी बढ़िया मुकाबला चल रहा था अभी तक। और इस वक्त आप देख सकते हैं बारिश मैदान के अंदर कितनी समय तक ये बारिश रहेगी, देखना जरूर क्या लगता आपके साथ। हेलो भाई, कैंसिल तो नहीं होगा नीरज भागवत? बिल्कुल भी नहीं होगा। रियल रखी भाई, कैंसिल हो जाएगा क्या? नहीं भाई, 1% भी चांस नहीं है। बारिश नहीं है गाइज, अभी तो बिल्कुल हल्की फुल्की बारिश है, अभी तो बिल्कुल हल्की फुल्की बारिश है। और अभी यहाँ पे रिपोर्ट ये भी है कि बारिश इस वक्त रुक भी चुका है, बारिश है वो रुक चुका है और मुकाबला भी कुछ ही समय में शुरू हो जाएगा। अभी कुछ ही समय के अंदर मुकाबला है वो शुरू होने जा रहा है, आपको अलग अलग एंगल से हम दिखा सकते हैं। अब हल्की फुल्की बारिश है वो बची है इस मैदान के अंदर, ये देख सकते हैं हल्की बारिश की कुछ बूंदे इस वक्त मैदान के अंदर। साउथर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये खेले जाने वाला मुकाबला है, लुत्फ़ उठाइए इस मुकाबले का। आपको दिखा सकते हैं इस वक्त हल्की बारिश मैदान के अंदर, मैच कुछ समय के लिए रुका है। थैंक यू ब्रो रियल रखी भाई, 1 ओवर वाई रन, ये क्या है 1 ओवर वाई रन उताया। जिहाद हसन, व्हाट यू से गाइस भाई, लाइव वीडियो होगा क्या? बिल्कुल एज पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं, लाइव की कोशिश कर रहे हैं हम। अभी हमारी कोशिश तो यही है, आपकी बताइए क्या हालचाल है। मैदान के अलग अलग एंगल से आपको बता दें कि इस वक्त बारिश है ग्राउंड के अंदर दखल देती हुई। ग्राउंड स्टाफ है वो लगातार कोशिश करता हुआ अपनी तरफ से कि किसी ना किसी तरीके से मैच को जल्द से जल्द शुरू करवा लिया जाए। भाई 5 ओवर का फैंसी डाला है, डीएलएस रहता है क्या, होता है कैंसिल होगा क्या? 5 ओवर का फैंसी डाला, 5 ओवर डकलस नियम से नहीं भाई कैंसिल अनुर, इसका मतलब यही है डीएलएस के आधार पे कि 5 ओवर कम जरूर कर दिए जाएंगे, बट मेरे हिसाब से कम करने के अभी चांसेस नहीं है क्योंकि अभी बारिश को 5-6 मिनट ही हुए हैं, कम से कम आधा घंटा बीत जाता है। आधे घंटे के आधार पर 5 ओवर घटते हैं, आधे घंटे के आधार पर 5 से 6 ओवर है वो घटते हैं, वैसे नहीं घटा करते इसमें। क्योंकि बारिश इस वक्त समाप्त हो रही है, आपको बता दें कि ग्राउंड स्टाफ है वो वापस लौट आया मैदान के ऊपर,
तो हम आपको मैदान की कुछ झलकियां आपको दिखाते रहेंगे इस वक्त मैदान के अंदर। तो इस वक्त बादल है वो हट चुके हैं, मुकाबला जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। इस वक्त आपको बता दें कि बादल है वो हट चुके हैं और ग्राउंड स्टाफ है वो जल्द से जल्द मुकाबले को शुरू करने के लिए तैयार है। क्या आप भी तैयार हैं इस मुकाबले को शुरू करवाने के लिए? तो जरूर है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अभी तक आपके देख रहा हूँ लाइक में कमियां है वो साफ नजर आ रही है, हमारा हौसला अफजाई है वो जरूर कीजिएगा। निखिल फतेह, बारिश तेज हो रही है क्या या स्लो है? भाई बारिश रुक भी चुकी है, ये देख सकते हैं गाइस, ये मैदान की फोटो है, ये हमारी तरफ से नहीं है, मैदान की फोटो है और मैदान से आपको साफ दिखा रहे हैं कि इस वक्त बारिश है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और अब तो मैच भी कुछ ही समय में स्टार्ट हो जाएगा। आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी इस वक्त की कि मुकाबला अब जल्द से जल्द शुरू होने जा रहा है। आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, मुकाबले के लिए मैच अब जल्द से जल्द शुरू होने जा रहा है। टाइम और इस वक्त अपडेट आ चुका है कि आने वाले 4 या 5 मिनट के अंदर मुकाबला है वो शुरू हो जाएगा। अभी तक हम देख रहे हैं जो ऑफिशियल साइट है और ट्विटर के माध्यम से जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो ट्विटर अकाउंट है वहां उन्होंने अपडेट डाल दिया कि 5 मिनट के अंदर अंदर मुकाबला है वो शुरू हो सकता है। अगर ये चीज अच्छी निकल के आएगी तो मजा आ जाएगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके लिए मुकाबले के लिए, और इस वक्त आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है मुकाबले से जुड़ने के लिए। तो इस वक्त आपको दिखा दें, ये देख सकते हैं गाइस, ये रहा वो ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड और ये आपको चिन्ह भी दिखेंगे यहाँ पे। ग्राउंड स्टाफ लगातार साफ करते हुए, बारिश रूल्स बोलो, बेटफेयर रूल्स बोलो, बेटफेयर क्या होता है भाई मुझे नहीं पता इसके बारे में, आई डोंट नो व्हाट यू से व्हाट फेयर गाइस। इस वक्त की बड़ी अपडेट के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं और मुकाबला अब कुछ ही समय में शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं खिलाड़ी मैदान के अंदर फिर से देखने को मिलेंगे हमें, और इस वक्त की बड़ी अपडेट के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो नमस्कार गाइस, मैं अनु चौधरी आप सभी के साथ इस मुकाबले में जुड़ा हुआ हूँ। और देख सकते हैं बादल इस वक्त हट चुके हैं मैदान के अंदर, अब ग्राउंड स्टाफ है वो लगातार तैयार है, तेजी के साथ कार्य है वो भी जारी हो चुका है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन इस मुकाबले के अंदर। ऑस्ट्रेलिया वनडे कप आप सबका स्वागत करता है, और अगर आप पहली मर्तबा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। बारिश इस वक्त रुक चुकी है मैदान से, कुछ और दृश्य आपके साथ साझा करेंगे किस कदर बारिश थी वो शुरू हुई थी मैदान के अंदर। तो कुछ इस अंदाज में आप देख सकते हैं गाइज, इस अंदाज में आपको बारिश यहां पे देखने को मिली थी। तो अब कुछ ही समय के अंदर मुकाबला है वो शुरू हो सकता है, अब तक की बड़ी अपडेट के साथ। हमारे हिसाब से तो चांसेस तो बहुत कम है। अंजलि कुमारी हमारे साथ जुड़े हैं, मनदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, मनदीप जी आपका भी स्वागत है। यार क्रिकेट
क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ कहना सब कुछ मुश्किल है इस वक्त। इस वक्त की बड़ी अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं इस मुकाबले के अंदर। भाई ये कहाँ का ग्राउंड पिक दिखा रहे हो? ये ट्विटर के ऊपर आया है, वेस्टर्न का, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो मैदान चल रहा है ये ट्विटर की फोटोएं हैं, आप जाके चेक कीजिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ट्विटर के ऊपर। तो वहां हर कोई भी मैच होता है सबसे पहले जो अपडेट डाली जाती है वो ट्विटर पर ही डाली जाती है, फिर उसके बाद उसको ऑफिशियल अनाउंस किया जाता है। लेकिन सबसे पहले अगर कोई भी अपडेट डाली जाती है वो हमेशा ट्विटर के ऊपर डाली जाती है। तो आपको कोई भी अपडेट चेक करनी होती है तो वो हमेशा ट्विटर पे चेक कीजिएगा। इस वक्त आप सभी का स्वागत है गाइस इस मुकाबले के अंदर। तो इस वक्त आप सभी का स्वागत कर लेते हैं, आपके हिसाब से जीतेगा प्लीज रिप्लाई मी। ओके गाइज रिप्लाई मैं देता हूं, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था इसलिए मैं आपको जवाब नहीं दे पाया था। आपके हिसाब से कौन जीतेगा? यार कहना तो बहुत मुश्किल है ब्रो, मैच चालू होगा। हेलो नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत है इस मुकाबले के अंदर। तो आपको बता दें कि इस वक्त कवर है वो हटा दिए गए हैं और मुकाबला अब शुरू होगा। ये देख सकते हैं मैदान से ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला, और यहाँ पे मैदान है वो कवर से हटा दिए गए हैं और जल्द से जल्द मुकाबला है वो शुरू हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट के साथ हम आपके साथ लौटे हैं, स्टार्ट हो जाएगा 10 मिनट के अंदर। बिल्कुल गाइज कुछ ही समय के अंदर मुकाबला है वो शुरू हो जाएगा, और इस वक्त आप सभी का हार्दिक अभिनंदन भी करती हैं। तो ये मैदान की कुछ झलकियां आपके साथ है साझा करते हुए, ये ऑस्ट्रेलिया का मैदान, ये देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का ये मैदान है यहाँ पे, और कुछ ही समय के अंदर मुकाबला है वो शुरू हो जाएगा। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन भी है।
और इस वक्त की बड़ी अपडेट के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद आराम से चेस हो जाएगा। टुडे एलेक्स कैरी 150 रन। नूरी हमारे साथ जुड़े हैं हॉलीवुड एक्सप्लेन। हेलो भाई, मैच स्टार्ट हो गया है, कुछ ही देर में हो जाएगा गाइज, कुछ पल बाकी है मुकाबले के, उसके बाद मैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन भी है, पहली मर्तबा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त क्या लगता है गाइस, कौन सी टीम जीतेगी इस मुकाबले को? नूरी, हाय नूरी, क्या हाल है? क्या लगता है आपके हिसाब से इस मुकाबले के बारे में? आप अपनी राय जरूर साझा कीजिए, कमेंट हम आपके कमेंट पे जरूर निगाहें बनाए हुए हैं। और इस वक्त हम क्रिक बज की साइट पे जरूर चेक करना चाहेंगे कि क्रिक बज क्या कहता है, तो क्रिक बज की कमेंट्री को जरा सुनना चाहेंगे तो डिले दिखा रहा है। अच्छा, अभी भी। नूरी कह रहे हैं चेस हो जाए, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विन विल। अभी बादशाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखो गाइज, कहना कुछ भी मुश्किल नहीं है, 334 रन चाहिए। शुरुआत काफी बढ़िया है, 1.4 ओवर में 19 रन बना चुके हैं और यहाँ पे रन बनते हैं, यहाँ पे 300 रन है। क्रिकबज डायरेक्ट स्टार्ट दिखाएगा, बिल्कुल नूरी, क्रिकबज डायरेक्ट दिखा रहा है, क्रिकबज पे भी हमने देखा है। अब तो हम तो ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं कि ट्विटर की क्या अपडेट आती है, ट्विटर जो भी हमें अपडेट देता है वही अपडेट हम आपसे साझा जरूर करते हैं, ट्विटर जो कहेगा हमें वो फॉलो करना पड़ता है। विन बारिश स्टार्ट कब भाई, स्टार्ट कब होगा यार? अभी तो हमें जो ऑफिशियल अपडेट मिलती है उसके हिसाब से तो अभी स्टार्ट हो जाना चाहिए था। ऑफिशियल अपडेट तो यही कह रही है कि मैच को अभी स्टार्ट हो जाना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों इतना देरी हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा इतनी देरियां क्यों हो रही है। ये देरियां है, ये मजबूरियां है, मुकाबला शुरू हो जा, कब होगा?
इस वक्त के तमाम खबरों के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। मुकाबले से रिलेटेड कि मैच है वो कब तक शुरू हो सकता है और कब तक नहीं, इसके ऊपर चर्चा बनाए हुए हैं। और खिलाड़ी मैदान के अंदर, तो लीजिए गाइज, मुकाबला शुरू हो चुका है। लीजिए वो घड़ी आ चुकी है, मुकाबला शुरू। फिर से एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मुकाबला शुरू हो चुका है, खिलाड़ी मैदान में आ रही है, तो मैच इस वक्त स्टार्ट है। एक बार फिर से मुकाबला स्टार्ट है, खिलाड़ी मैदान के अंदर वापस आ चुकी हैं और अब मैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो इस वक्त गेंदबाजी की बात करें, मैथ्यू काइल्स गेंदबाजी करेंगे। गेंदबाजी के लिए तैयार है मैथ्यू काइल्स। पहली गेंद इस वक्त और यहाँ पे खूबसूरत तरीके से खेला है, डाउन द लेग साइड रन बटोर लेंगे। यहाँ पे दो रन आसानी से मिलेंगे। यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है मुकाबला। बारिश के बाद ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है, बारिश ने कोई किसी प्रकार का कोई इफेक्ट है वो नहीं डाला। ओवर में कोई कटौती नहीं हुई है। कुछ साथी पूछेंगे कि क्या ओवर में कमी हुई है रनों में, तो किसी प्रकार की कोई कमियां यहां पे नहीं देखने को मिलती हुई। इस वक्त आपको बता दें कि मैच है वो दोबारा शुरू हो चुका है और ओवर में कोई भी कटौती यहां पे नहीं की गई है। ओवर में कोई भी कटौती नहीं है यहां पे। गजब का मुकाबला इस वक्त चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शॉट खेलती हुई एलेक्स कैरी और जैक वेदरले और ये गेंद 4 रन के लिए जाती हुई। खूबसूरत अंदाज में शॉट खेला, किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। पावर प्ले का फायदा उठाया, पुल शॉट काफी बढ़िया खेलते हैं और फायदा उठाया 4 रन के लिए। चौका बटोरा, यहां पे रनों की कुछ बारिश देखने को मिलती हुई। तो यहां पे 4 रन के साथ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शॉट खेला है 4 रन। नरुण के लिए 5 ओवर में कितना मारेगा, 5 ओवर में हो जाएंगे अगर विकेट नहीं गिरे तो 5 ओवर में 48 से लेके 52 रन के बीच बीच में स्कोर हो जाएगा। और इस वक्त स्वागत करेंगे फिलहाल ओवर में इंग्लिश बोलो नंबर्स अरुण इंग्लिश, हाउ मेनी रन इन 48 to 52 इट्स प्रोबली है इन द फर्स्ट 5 ओवर। इट्स प्रिडिक्शन फर्स्ट 5 ओवर 48 to 52 रन्स। नाउ लेट्स गुड स्टार्ट बाय साउथ ऑस्ट्रेलिया। It's a quick start, rapid start. 27 run in just 2.3 over. Alex Carey playing very well today. 13 run in just 8 ball. Another dot ball. Jason Porter around the stump. Good length delivery. And a little bit outswing. Now go, I am subscribed. Thank you so much, Aranandan. Now Jack Weatherly is playing very well. Only 8 ball face and just... quick 14 run in the scoreboard. 1-4 and 1-6 is in this inning. And now bowler Josh Brotherhood's it's a right-handed fast bowler. It's very quick delivery, 144 kilometers. Thank you so much Arunandan ji, aapka swagat hai, welcome guys. Now it's a good quick start by Southern and how many runs need in the Southern Australia team if you want win, to needs 326 run in to win in 284 balls remaining. It's a really fighting score because current run rate 18 above. And now first wicket down, it's big wicket, Jack Weatherly, it's going on, it's a play third main areas, but a little is
of the bat and the quick catch, sharp catch by the wicketkeeper. First wicket by Joshan. And the first wicket go through Western Australia team. First early wicket down. पहली सफलता यहाँ पे जैक वेदरली आउट होके जाएंगे. यहाँ पे कैच आउट करार किया, थर्ड मैन की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले का किनारा लगा और गेंद सीधा विकेट कीपर के पास. और विकेट कीपर ने यहाँ पे कोई गलती नहीं की, आसानी से एक अच्छा सा कैच पकड़ा. यहाँ पे मिल गई सफलता, जिस सफलता की दरकार थी वो विकेट. यहाँ पे नए बल्लेबाज आएंगे मैदान के ऊपर, देखना जरूर कि नए बल्लेबाज इस वक्त कौन आते हैं मैदान के ऊपर. बहुत ही बढ़िया मुकाबला आज दोनों टीमों के बीच में. और इसी के साथ पहली विकेट जैक वेदरले आउट होकर जाते हुए. थर्ड मैन एरिया में खेलना चाहते थे शॉट को बट बल्ले का बाहरी किनारा लगा और एक आसान सा कैच. किसी प्रकार की कोई गलतियां यहां नहीं करते विकेट कीपर, बहुत ही आसानी से पकड़ा गया कैच. मजा आ गया ये मुकाबला देखकर. तो अभी 252 वोट है वो हो चुके हैं. वीडियो को लाइक कीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक लाइक की और दरकार है गाइस. ओनली फॉर ओनली वन लाइक रिमेनिंग. टारगेट हैज बीन कंप्लीटेड इफ यू प्रेस द लाइक बटन. ओनली जस्ट वन लाइक रिमेनिंग. नाउ अनदर डॉट बॉल, गुड स्टार्ट बाय जेसन ब्रदर. फर्स्ट ओवर इट्स रियली एक्सपेंसिव बट दिस ओवर इज रियली गुड. थ्राइव हेड इज कम ऑन द स्ट्राइक. फर्स्ट बॉल फेस एंड डॉट बॉल, अनदर गुड डिलीवरी एलेक्स कैरी एंड अ क्विक डिफेंस. अच्छा डिफेंस खेलते हैं इस वक्त, मजा आता हुआ इस मुकाबले के अंदर. तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा.
for six. They'll get one more. No shot offered. That was another good over. This will be growing the frustration of the batsman. So close to being bowled. Misread that one. Couldn't get the drive away. Yes. Missed time that one. Keep up. And through for one. Right there. Very tidy over that one. Green has been thrown the ball again. Shouts of catch. Yeah! Is there any bat on it? Got the wicket a good time. The batsman was looking settled and on track for a big score. A solid innings come to an end. Good batting. One more added. There.
Yep. And that ends a big over. The wicket taken from it and not many runs. And they get through for one. Yep. Oh, well bowled. Yes. Very nice throw back there. Good fielding. The captain looked pleased with that over. What a delivery! Another run added to the score. Oh. Swing and a miss. Nice bowling. Good bowling in that over. Reminded that rude or inappropriate behaviour may result in ejection from the venue. An absolute corker. Great bowling.
right there. Right there. They'll be happy with that over. Yep. They'll get one more. The bowler beating them all ends up. Wait. That's some good bowling. End of the over. Wait. Great shot, driven straight to the boundary. The batsman seemed to misjudge that entirely. Great bowling. Batsmen weren't given much of an opportunity in that over.
The right armour is coming on to bowl from the pavilion end. Wait there. That's four. Superb shot. Waiting. Yep, gotcha! Oh, picks that one nicely. Good shot. The right armour is the new bowler from the nursery end. Yep. That nearly shaved a coat off the stumps. Wait there. Yep. Keeper. Good bowling in that over. Right there.
very nice throw back there. Good fielding. They get a single. Right there. Right there. The bowler won't like that at all. Ends that over. He lets that go through to the keeper.
Misread that one. Couldn't get the drive away. Great timing, races to the boundary for four. Yep. Nice fielding there. Good return. That's a 50 partnership. Good job. Oh, great shot. Three more runs there. Didn't like the look of that one. No shot offered. End of the over. Five off it. Not able to connect. Yep, catch him! Hit that hard and fast. Five runs added in the over.
The right arm medium bowler is coming on to bowl from the nursery end. They take a single. On the drive, but can't connect. Really misjudged that. Really good batting, closing in on a well-deserved 50. Shouts of catch. Yeah! Is there any bat on it? This partnership got going well, but the bowler was able to break it before too much damage was done. Batsman making a long roll back to the pavilion, going behind for 24. Getting on with the job right away. Yep. Precision, just a great shot. Takes the single. Yep. Ends that over. This bowler really can get these spinning a long way. Let's see how they go. Right there.
catch it! Good shot. That ends a tidy over. Short and punched away. And they get a single there. Yep. That's what the crowd have come to see. Nicely played. Well, the most runs in the Sheffield Shield last year, showed so much promise and delivered, and as he made his way to the test level and played so well there as well, big future. Fuller ball struck on the pad, it's out. Gibson's gone. WA absolutely on top, and I don't think there was too much doubt about this one. Struck him on the pad, pretty much straight in front. That's smashing into middle and leg.
Well, just such a terrible loss for South Australia, and once more the middle order starting to crumble. 5 for 90. Ryan Gibson going for a globe. Didn't last very long out in the middle. Bonza out of the commentary box. I think South Australian viewers might be glad about that, because he's brought along a bunch of wickets into the commentary box with me, Laurie Colliver. Let's just assess these last 15 minutes. It's been catastrophic for SA. As a what? 1 for 71, 2 for 71, 3 for 77, 5 for 90, I think. So, yeah, not good, not good. Everyone's playing a shot of ball, and, you know, you don't want to be missing full tosses on the stumps either. So, that's got to be a bit of a concern at the moment. So, Sam Kerber now out there in the centre for SA, and he's got a big job on his hand here. Alex Carey, at least a very mature man who stand alongside him and hopefully guide the way, but still a lot of work to do. Yeah, Sam Kerber's going to need to be an integral part of this alongside him. He's got plenty of overs to bat, Sam. Comes in now in a pretty treacherous position. The Redbacks, 5 down. What can he do for his team here? A lot of work required in the 14th over. The overall target, 316 off 43. The reigning Brabin or co-Brabin medalist, Sam Kerber. He and Brad Davis from Sturt won the medal last year. Got a start in the Shield late last season. And he faces his first ball. And good bounce and carry there for Green. A successful over for him. So WA well on top of this game. 5 for 90. The target 316 from 43 overs. So WA will be pressing for at least a bonus point, if not a double bonus. And by my calculations, if the Redbacks are out for 158 or less, it will be a double bonus. I'll get back to you on the single bonus, because it requires a very medical calculation, and I'm just not up for it at the moment. I'm watching four quick wickets. I'm impressed with the double bonus points anyway, so that's the first checkbox they have to tick off, SA, and they're already in a bit of strife. Well, that's the easy one, because it's half the score or less, so I can divide by two, but divide by 0.8 and carry the one's a bit tougher as Ty comes in. His second over. Obviously worked away by Carey. Should get a couple. Darcy Short thrown to the bowler's end, putting pressure on the non-striker Kerber, but back through safely enough for a couple. Not a bad throw either, just the one bounce sitting on top of the bales, so Darcy Short, good arm there from the deep. So, 315, no, I'm going to have to get that in notice. This is too hard. We'll get back to it. Tie again. Eased away there by Carey. Now he looks in good touch, Carey. I watched him bat a little while in one of the practice games on Park 25 on a very windy day 2 weeks ago, and he was smashing them to all parts. Got 100 very, very quickly. Looked in good order. Slightly a stronger bowling attack than he's facing today. International experience in this West Australian side, particularly with the ball. Nicely played by Kerber, off the mark. Just the one there. Nice looking off drive. But yeah, you look at the experience. Sean Marsh has played now for many years for Australia. Josh Phillippe debuting recently. Mitch Marsh, Cameron Green, Ashton Turner, Darcy Short, Ashton Agar, Andrew Tai, Jason Berendorf. There's only two names there that haven't played for Australia at some form of international cricket. In the air, Dannerwood's long leg should just land safely. Didn't quite hit it as hard as he could have there, Carey. And the ball falling short of the two fielders in the deep on the leg side. We know Alex Carey likes that shot, and it was just a brilliant piece of execution there from Andrew Tye to force him into playing it. It basically directed right at the top of the helmet. And he
You see here, he was just forced into swinging the arms and playing that shot, which is just so natural for him to do, and they've got those two catches almost worked into their hands. Good through the offside is Kerber. That'll race away to the cover boundary for four. So his first boundary in this innings. And a good start from the left-hander. Yeah, very nice shot. Was watchful those first couple, but that one nicely done. Just timing and pushed beautifully into that offside. Saw that gap and capitalised. Sam Kerber just made his first class and one day debuts last year. He's 27, coming from the grade system here in SA. Short one, allowed to pass through. So nine off the over there. Better over for the home side. Five.